आजमगढ़ जिले का दौरा करने पहुंचे वाराणसी रेंज के एडीजी ब्रजभूषण शर्मा ने आजमगढ़ मऊ के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। आजमगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए एडीजी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध की कम घटनाएं हुई हैं। बावजूद इसके पुलिस को और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। अपराधियों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। एडीजी ब्रजभूषण शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चलता रहेगा। कोई क्राइम किया है, छेड़खानी की है, बलात्कार किया निकी है, उन सबके सत्यापन कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा अपराधी होगा जो अभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, पहले से एक्टिवेट हैं और किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे महिला संबंधी अपराध न होने पाए, और जो घटना घटित पहले हुई भी हैं उनमें प्रभावी पैर भी कोर्ट में कराई जा रही है, जिससे उनको सजा मिल सके। मुझे आप बताने में खुशी भी है कि लास्ट टाइम आपके यहाँ घटना हुई थी बलात्कार की और महिला की हत्या कर दी गई थी, अननोन केस था, उस केस का अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, कन्विक्शन हुआ और उस आईओ को माननीय गृहमंत्री का जो पदक भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो अन्य अपराध हैं उन सारे अपराधों को हम छानबीन करा रहे हैं, कोर्ट में जो पेंडिंग चल रहे हैं उनकी पैरवी कराएंगे। इसे जो ऐसे अपराधी हैं जो महिलाओं से अपराध करते हैं उनको एक मैसेज जाए। सर, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बनके उभर रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए, किस तरह? देखिए, साइबर क्राइम के लिए एक तो हर रेंज पे थाना खोला गया, नंबर एक बात। हर SP कार्यालय में, रेंज कार्यालय में, जोन कार्यालय में साइबर सेल की स्थापना की गई है। ये ऐसा क्राइम है जो हर विक्टिम की सहमति से होता है। जो इसका शिकार होता है उसकी सहमति जाने अनजाने हो जाती है। तो इसको रोकने का जो सबसे बड़ा उपाय वो यही है कि प्रिवेंशन, अवेयरनेस। हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चालू कराएंगे। अभी एक जगह इसके कुछ लेक्चर भी हो रहे हैं जो सारे YouTube पे अवेलेबल हैं, कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हम जितना आपके माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर पाएंगे उतना ही इसको रोक पाएंगे। तो हमारा पहला प्रयास होगा प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, जिसके लिए हम एक अभियान भी चलाएंगे। और जो एक लेक्चर की सीरीज है उसको हम जनता को जागरूक करेंगे, इनको देखें और अपने आप को बचाएं, ये हमारा पहला प्रयास होगा। दूसरा, घटना घटित होने के बाद जैसे मैंने कहा कि हर जगह साइबर सेल बने हुए हैं, थाना बने हुए हैं, उसकी FIR हम लोग करवाते हैं। अपने जो हमारे आयोज हैं उनका लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अच्छा विवेचना कर सकें, अपराधियों को पकड़ सकें। वो भी हमारा प्रयास जारी है, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होगा प्रिवेंशन पर होगा। थैंक यू।